चारों तरफ बन गए बारिश के नजारे, छमाछम हो रही है बारिश, भीग गए मेरे बगीचे के पेड़ सारे। तो दोस्तों देखिए, मेरे बगीचे के सारे पेड़ भीग गए हैं इस बारिश में, और देखिए ऐसे लग रहा है जैसे खिलखिला के हंस के नाच रहे हों। तो मैं हूँ स्वाति और आप मेरे साथ हैं लिटिल स्टेप ऑफ क्रिएशन में। तो चले लेते हैं एक छोटा सा स्टेप क्रिएशन की ओर। तो दोस्तों, और सबसे पहले आपका बहुत 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 धन्यवाद मुझे देखने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे शेयर करने के लिए, और दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए सबसे पहले इन जो इस सीजन की पहली बारिश जो कि जो हुई है उसके उसको एंजॉय करते हैं, उसको मैं दिखाती हूँ पहली बारिश में मेरा बगीचा कैसा लगता है और साथ में हमने बारिशों के लिए अपने बगीचों को कैसे तैयार करना है। इतना भी आप गर्मियों में पानी डालिए मगर पौधों को इतना आप कभी भी हैप्पी नहीं कर सकते हैं जितने कि हैप्पी हो जाते हैं पौधे नेचुरल बारिश से भीग करके। तो देखिए, जैसे कि अभी आप सब देख रहे हैं कि ताऊ के तूफान की वजह से सभी जगह एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और चारों तरफ ऐसे झमाझम बारिशें हो रही हैं। तो इस बारिश में मेरे बगीचे के सारे पौधे एकदम भीग गए हैं। तो कुछ तो बेचारे एकदम परेशान हो गए हैं इतनी सारी बारिश से, और कुछ है कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाती हूँ अपने उन प्यारे पौधों से जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस बारिश को, जिसमें से ये पहला पौधा है रीका पाम का पौधा। सारे ही पाम के पौधे बहुत इंजॉय करते हैं बारिश को। मेरा ये कड़ी पत्ता का पौधा है जो देखिए क्या बढ़िया से एकदम खिल गया है, और ये मेरी एक ड्रेसिनिया का पौधा है बहुत बड़ा सा। ये एक्चुअली में एसी के पीछे लगा हुआ है, तो बेचारा एसी जब चलता है तो उससे निकलने वाली गर्मी से काफ़ी ख़राब हो जाता है हर साल। मगर ये काफ़ी पुराना पौधा है और काफ़ी बड़ा पौधा है, लगभग 7 से 8 फीट बड़ा है। तो इस ये भी बेचारा अभी इस बारिश में इतना अच्छा हो गया, देखिए कितनी ग्रीन लीफ हो जाएंगी ना, बिल्कुल बहुत ही। ये है मेरा हर श्रृंगार का पौधा जो बिल्कुल पानी से नहा चुका है, और एक ये पाम का पौधा है। ये मेरा एक पाम का पौधा है जो बहुत बड़ा है। ये इसको मैं कहीं जगह पे फिट नहीं कर पाती, तो थोड़ा ये ज़्यादा ओपन एरिया में रहता है, तो इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बेचारा बहुत ज़्यादा सनलाइट को मिलती है इसको, तो बर्न हो जाती है इसकी लीफ। देखिए नहा के कितना सुंदर लग रहा है। जब भी बारिश होती है ना तो याद आता है ना, जब हम लोग छोटे थे तो गाना पोएम हुआ करती थी हम लोगों के स्कोर्स में, छम 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 बारिश बरसा छाता लेके निकले हम। तो अभी तो देखिए एंजॉय कर रहे हैं इस बारिश में पौधों को। तो देखिए इस बारिश में पौधों का कैसे ख्याल रखें, तो सबसे पहले आप अपनी कटराइजेशन कर लीजिए उन पौधों को जिनको पानी बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हें खुली बारिश में रहने दीजिए बहुत देर तक। और अगर जो जिन पौधों में आप वो होता है क्या, जैसे ये अरिका पाम के पौधे हैं, सारे पाम के पौधे हैं, आप इनको बारिश में खुले बारिश में रख दीजिए, ये बहुत इंजॉय करते हैं। जितने भी समर फ्लावरिंग प्लांट के प्लांट पौधे हैं ये सब बारिश को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी ग्रोथ छोड़ेंगे। मगर जो पौधे जो इसका जैसे कैक्टस हैं या सकुलेंट्स हैं, उनको इस पानी से हटा लेने में ही अच्छा रहता है, अदरवाइज गलना शुरू हो जाते हैं। ये मेरे गुलाब के पौधे हैं जो भी बहुत अच्छे, गुलाब को नहाना बहुत पसंद है, सारे पाम के पौधों को नहाना बहुत पसंद होता है। तो ये देखिए कितने अच्छे हो गए हैं, मगर जो जिन पौधों को पानी उतना नहाना पसंद नहीं, देखिए मेरा पोथोस का पौधा है कितना अच्छा हो गया है, नहाने के बाद पत्तियाँ एकदम चमक गई हैं, खिलखिला गई हैं, मगर कुछ ऐसी है या इधर पे ये पोथोस है कितना खूबसूरत से बढ़ गया है। मगर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा पौधा है जूनिपरस प्लांट का पौधा है, बहुत ही खूबसूरत गोल गोल सा था, मगर अभी ये डैमेज हो गया है काफ़ी बार। इसमें डैमेज इन द सेंस ऐसा नहीं है कि परमानेंट डैमेज हुआ है, ये थोड़ा सा तब इसका सेप खराब हो गया। जैसी बारिश खत्म होगी मैं इसे इसका इसको सेप में लाने के लिए थोड़ा बांध दूंगी, और क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी भर जाता है उसके बोझ से ये थोड़ा सा ऐसे हो जाती है। इसी तरह का पौधा है जो काफ़ी बड़ा है, ये लगभग 7 फुट बड़ा मेरा साइप्रस का पौधा है, इस तरीके से एक पॉट में लगा हुआ है, मेरे एंट्री गेट के साथ में रखा हुआ है, और एकदम बिल्कुल पानी से। तो अभी क्या है, जैसे ही रेनिंग सीजन ख़त्म होगा, जैसे ही रेन ख़त्म होगी, मैं इसको थोड़ा सा सपोर्ट दूंगी ताकि अपने बोट से इसकी डलियाँ डैमेज ना हो, इसकी सेप ख़राब ना हो। कुछ ऐसा ही हाल होता है क्रिसमस की का भी, इन पौधों को अपनी पत्तियों में पानी भरना बिल्कुल पसंद नहीं होता है,
तो ये बेचारे डैमेज हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप जैसे ही जिन भी पौधों में गमलों में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और जब भी जब रेन ख़त्म हो जाएगी तो उन गमलों की मिट्टी चेंज कर दूंगी ताकि रेनी सीजन के लिए तैयार हो जाएं, और सारे गमलों की गुड़ाई कर देंगे अच्छे से। तो बारिश के बाद अगली सुबह मेरे बगीचे का क्या हाल है, अब मैं आपको सबसे पहले वो दिखाना शुरू करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा क्लाइमेटिस का पौधा। देखिए बारिश का कितना अच्छा असर इसमें आया है। इसमें बहुत बिल्कुल भी अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हो पाई थी तो ढेर सारी कलियाँ आ गई हैं और मेरे गुलाब तो ऐसा लग रहा है एकदम हैप्पी हो गए हैं। मगर देखिए मेरे सिरिस का पौधा है, इसमें जो फ्लावर होता है थोड़ा सा बंद बंद सा फ्लावर होता है, उसे पानी भर गया, अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं दूंगी ना तो ये एकदम टूट जाएगा। अब आपको मिलाती हूँ अपने नींबू के पौधे से। देखिए नींबू कितने अच्छे हो गए और इस बारिश की वजह से ना अब नींबू जल्दी ही पक जाएंगे। जो हरे हरे दिख रहे हैं ना ये अब जल्दी ही येलो होना शुरू हो जाएंगे और देखिए कितने अच्छे साइज भी एकदम से बड़ा होने लगेगा। बहुत एक दो दिन में ड्रास्टिकली चेंज नजर आएगा। और ऐसा ही कुछ होगा मेरे इस बैम्बू पाम के साथ में। इनको इन सब पौधों को ना पानी बहुत पसंद होता है। मगर देखिए जैसे मेरे लिली का पौधा है, अब लिली के पौधे के जो फ्लावर होते हैं वो कप शेप के होते हैं। देखिए ये रोज का जो पौधा है, इस रोज के प्लांट में ना वाटर लॉगिंग हो गई है तो इसका मतलब है कि मुझे इसकी मिट्टी बदलनी पड़ेगी। और ये जो मेरा रोज का प्लांट है ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी है, मतलब कि मेरा कलम वाला गुलाब है और ये फूल काफी बड़ा होता है। तो देखिए अपने ही वजन से फूल टूट गया है। और ये जो पीछे तो आपने देखा इसमें जो जीजी प्लांट का पौधा है अब उसे भी बारिश से बचाना होगा। और देखिए जो मेरा पोथोस का पौधा है इसकी जो बीच की सपोर्ट लगी थी वो टूट गई है इस बारिश में और इसमें इस तरीके से पूरा पौधा डिसेप हो गया है। देखिए ये भी इससे जो स्नेक प्लांट का पौधा है इसमें भी हल्का सा गमले में लग रहा है कि हल्का सा पानी आ रहा है, बस में अच्छी सी ग्रोथ हो रही है और मैंने इसे अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था और इसको मैं भी इसे खुले आसमान के नीचे ही रखा रहने दूंगी। और अपने पोथोस को अब सबसे पहले मैं इसके लिए सपोर्ट तैयार करूंगी क्योंकि देखिए लॉकडाउन है तो सपोर्ट अब हम कोई स्टिक हम ला नहीं सकते तो मैं घर में ही बनाऊंगी इसके लिए स्टिक। और ये देखिए मेरे गुड़हल के पौधे हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने लिली के प्लांट से मिलाती हूँ। देखिए इस लिली के प्लांट में दो फूल निकले हैं। ये कप शेप के फ्लावर होते हैं, जब पानी बरसता है ना इनके पानी भर जाता है और अपने ही वजन से टूटने लगते हैं तो इनको सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आपके जिस पौधों को सपोर्ट की आवश्यकता है आप उन पर जरूर सपोर्ट लगा दें, अदरवाइज बारिश पानी की वजह से वो टूट जाएंगे। देखिए मैंने सारे ही अपने सकुलेंट्स थे इनको मैंने बास्केट में भर करके गार्डन में दिया था ताकि ये भी थोड़ा सा बारिश को एंजॉय कर सके। आखिर हर पौधे को पानी अच्छा लगता है, बारिश का नेचुरल वाटर अच्छा लगता है। तो आपके जिन जिन पॉट्स में वाटर लॉगिंग शुरू हो गई, आपको लग रहा है कि वाटर लॉगिंग हुई या कुछ इस तरीके से, जैसे अगर आपके पेड़ गिर गए हैं तो आप इनको कुछ सपोर्ट दे दीजिए किसी लकड़ी का या आप इसकी जड़ों के सहारे से, क्योंकि ये पौधे फिर यहाँ से इस जगह से खराब हो जाने का खतरा इन पर बना रहता है क्योंकि ये बार बार उनकी जड़ें डिस्टर्ब हो रही होती हैं। वैसे तो मेरे किसी भी गमलों में वाटर लॉगिंग नहीं है पर जिसमें मुझे वाटर लॉगिंग की समस्या दिखाई पड़ रही है तो डेफिनेटली मुझे उनकी सॉइल को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उनकी सॉइल वाटर रिटेनिंग नहीं होनी चाहिए। गमल खासकर पॉट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पौधों में वाटर रिटेनिंग हो। अगर आपके बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी नहीं अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं अच्छा लगता, जैसे मेरा बैम्बू का पौधा है इसमें उसको पानी बहुत अच्छा लगता है बैम्बू को, मगर इसको वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। मेरे लगभग सभी गमलों की सॉइल वेल ड्रेन है। जो मैं अक्सर डिस्कस करती हूँ कि मेरे गमलों की सॉइल कैसी होनी चाहिए आपकी गमलों की, तो किसी भी पौधे को वाटर लॉगिंग नहीं पसंद होती। तो अगर रेनी सीजन में अगर आपको लगता है कि वो गमलों में वाटर लॉगिंग हो रही है तो या तो फिर आप उनको इस तरीके से कुछ टिल्ट करके रख दें या उनको ऐसी प्लेस पे रख दें जहां पर बहुत ज्यादा पानी ना गिर रहा हो। मगर पौधों को क्योंकि रेनी सीजन अच्छा लगता है, वो रेनी सीजन बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, तो आप आप उनको ऐसी जगह पर रखिए जिनमें थोड़ा इंजॉय कर सके। तो ये जो बारिश है ये हमें बताने के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे गार्डन को रेनी सीजन के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इस टाइम बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। देखिए जैसे मेरा ये लहसुनिया वेल है, गार्लिक वाइन है, बहुत अच्छी सी ग्रो करना शुरू हो गई थी। देखिए इसमें इस तरीके से स्पाइक्स बढ़ रहे हैं, तो अब इसको मुझे कहीं अगर मैं इसे सपोर्ट दे दूं, कोई ट्रेल लगा दूंगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी, बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ। तो इस तरीके से ये सीजन है आपको अपने गमलों में ट्रेल लगाने का, उनको सपोर्ट्स लगाने का और उनको उनकी सॉइल चेंज करने का, और साथ में ही अगर ये सब चार चीजें हमें रेनी सीजन
एक्सपीरियंसेस पहले पहले कर लेनी है। जैसे कुछ तरीके जिस तरीके के पौधे हैं जिनको बिल्कुल पानी पसंद नहीं है, उनको वाटर लॉगिंग से बचाना है और उनको ऐसी जगह पर प्लेस कर देना है जहाँ थोड़ी शेड हो, जहाँ पर थोड़ी छाएं हो। तो देखिए अब ये मेरी है, ये जो प्लांट है मेरा, ये मेरा स्वीट पोटैटो वाइन है ग्रीन कलर का। देखिए किस तरह से लस ग्रीन हो गया है और एकदम छा गया है, इसने दूसरे गमलों को भी कवर कर लिया है। तो अभी क्या है, इस सीजन में मैं इसकी कटिंग कर सकती हूँ मगर क्योंकि अभी पूरा जैसे कि अर्ली जून में मानसून आ जाता है तो मैं मानसून के बाद ही इसकी कटिंग करूंगी, क्योंकि अभी इसकी कटिंग कर दूंगी तो फिर इसको बहुत बेहतरीन से ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। तो अभी अब आप पहले से प्रिपेयर होना शुरू हो जाइए कि आपको अपनी रेनी सीजन में क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है अपने अपने गार्डन में। जिस तरह से करी पत्ते का पेड़ है तो मैं इसमें जितनी भी अगर कहीं पर भी सीड्स या कुछ आ गया है तो सबको काट दूंगी। देखिए इसमें फ्लावरिंग आई थी, आनी शुरू हो गई थी तो मैंने इसको थोड़ा कट कर दिया था। तो देखिए कितनी सारी सारी डंडियां निकल आई हैं, शाखाएं निकल आई हैं, नई नई ब्रांचेस निकल आई हैं कितनी सारी। और देखिए सभी में इस तरह के हो गया है। तो अब ये पौधा बहुत सारी, इसमें जब तक रेनी सीजन आएगा ये बहुत अच्छा सा ग्रो कर जाएगा। कुछ ऐसे ही मैंने मेरे साथ गुलाबों के साथ भी हुआ था। अब मैं क्या करूंगी भी, क्योंकि अच्छे से फ्लावर कर रहे हैं तो इनको मैं अभी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। मैं थोड़ा इनको ऐसी जगह पर रखूंगी जो बहुत ज्यादा तेज बारिश उनके ऊपर ना गिरे। तो मैंने आपको जो अपना जुमनी पेरस का पौधा दिखाया था तो देखिए अब इसमें हल्का हल्का पानी जो थोड़ा उड़ गया है, तो देखिए इसका थोड़ा सेप अपने आप ही ठीक होना शुरू हो गया है। मैं आपको 4-5 दिन बाद की भी अपडेट दूंगी कैसे पौधा अपनी अपनी सेप ले लेता है। मगर जब बहुत ज़्यादा पानी भरा हो तो इसको किसी धागे से या डोरी से बांध देना ही सबसे अच्छा रहता है। इस तरह के सारे पौधों को साथ यही अच्छा रहता है कि आप उन्हें बांध दें। तो देखिए अब मैं आपको कुछ और टिप्स बताती हूँ जो अपने अपने पोथोस या फिलोडेंड्रन के लिए आपको करनी। देखिए मेरा फिलोडेंड्रन जो स्टिक में लगा था, बारिश के प्रेशर की वजह से ये स्टिक से अलग हो गया है और तो अब मैं इसको इस स्टिक पर अच्छे से अरेंज कर दूंगी, क्योंकि बारिश के मौसम में इसे काफ़ी अच्छा मॉइस्चर मिलेगा तो ये बहुत अच्छी ग्रो करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये था मेरा बगीचा इस सीजन की पहली बारिश में। जैसे मेरा गार्डन, मेरे पौधे बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस पहली बारिश को और मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ अब इस अपने बगीचे को। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और आप मेरे साथ अगर यहाँ तक जुड़े रहें दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।